2022 की संपूर्ण तैयारी, पूर्वांचल झांकी, बुंदेलखंड बांकी। आज यूपी के झांसी में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन करेंगे राजनाथ। झांसी में 3 दिनों तक चलेगा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। इस समय आप देख रहे हैं एकदम ताजा तस्वीरें। आर्मी के हथियारों के प्रदर्शन समेत कई कार्यक्रमों में लेने वाले हैं राजनाथ सिंह हिस्सा। उत्तर प्रदेश का झांसी, बुंदेलखंड का इलाका, बुंदेलखंड का गौरव झांसी। लक्ष्मी बाई की वजह से जो दुनिया के नक्शे में हमेशा के लिए अमर हो गया, वो झांसी। उस झांसी में मौजूद हैं राजनाथ सिंह और उनके साथ दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल ही आपने देखा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कैसे गर्जे थे भारत के फाइटर जेट्स, और अब आप यहां देख रहे हैं राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। हमारे संवाददाता मकरंद काले और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, मतलब अब इसको भी साधा जा रहा है झांसी समेत पूरे बुंदेलखंड में भी वोटर्स को संदेश दिया जा रहा है मकरंद। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और उनके साथ योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, दोनों एक मंच पर एक जगह नजर आ रहे हैं और आयोजन है बहुत बड़ा। ये है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के मौके पर, और ये वक्त भी बहुत खास है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है 19 तारीख को, उस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिरकत कर रहे इसी कार्यक्रम में आने वाले हैं, और इससे पहले इस कार्यक्रम के इनॉग्रेशन के लिए राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ दोनों यहां पर पहुंचे हुए हैं। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्देश्य मूलतः यह है कि राष्ट्र रक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिनके गौरव से देश गरिमामय हुआ है, उन्हीं के लिए ये पूरा आयोजन किया जा रहा है, और न केवल वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बल्कि जो शहीद हैं या फिर जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है उनकी गाथा भी कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों तक पहुंचे, इसका भी ये भी उद्देश्य यहाँ का है। आने वाले 2 दिनों में यहाँ पर अलग अलग रक्षा उपकरणों को राष्ट्र को सौंपा जाएगा। इसके अलावा 400 करोड़ की परियोजना का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो अलग अलग उपकरणों में एक हल्का हेलीकॉप्टर है जो कि स्वदेशी है, देश में ही बनाया गया है, उसको राष्ट्र को सौंपा जाएगा। इसके अलावा जो प्लेन है वो सौंपा जाएगा, एक छोटा प्लेन है मानव रहित। मकरंद, मैं आपके पास आता हूं, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही, ये आपने बताया है कि आइटनरीज में क्या क्या है और कैसे कौन सा गणमान्य कब कहां किस कार्यक्रम में शिरकत करने वाला है। मैं कुछ मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं जो हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, हमारे साथ हैं टीपी त्यागी साहब, डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार भी जुड़ रहे हैं, वो भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तीनों ही हमारे देश की सेना को, हमारे देश की एयरफोर्स को, हमारे देश की उन जाबाज फोर्सेस को सर्व कर चुके हैं जिनकी वजह से हम महफूज महसूस करते हैं। उनके ज़रिए हम जानेंगे इस आयोजन का संदेश क्या है, इसके निहितार्थ क्या हैं, और क्या इस तरह के आयोजन, क्योंकि हमने कल देखा किस तरीके से फाइटर जेट्स गरजे, आज हम देख रहे हैं राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, और जिस तरीके से हिंदुस्तान के प्राइड को सामने रखकर चला जा रहा है उससे महसूस कैसा कर रहे हैं हमारी आर्मी वेटरन्स, उनसे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर एयर शो का आयोजन किया गया, झांसी में एयरफोर्स के जाबाजों का शानदार एयर शो। एयर शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत कर रहे हैं, और यहां उन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, और ये निश्चित रूप से जब मसल फ्लेक्सिंग की जा रही है हमारे दुश्मनों की तरफ से, जब चीन अपने इरादे दिखाता रहता है और उधर पाकिस्तान तो खैर लगा रहता ही है, तब हिंदुस्तान ने भी अब अपने तौर तरीके बदल दिए हैं, वो तौर तरीके जो आज कदम ताल करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और आप यहां देख रहे हैं हमारे जाबाजों के वही कारनामे, और यहां किसी को थ्रेटन करने के लिए ये ड्रिल नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए तो ज़रूर है कि हम हमेशा तैयार हैं, मुस्तैद हैं, हर हाल में तैयार हैं। और यहां देख रहे हैं आप उसी की वानगी, राष्ट्र रक्षा समर्पण, राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित
और जाहिर है इसके लिए समर्पित है तन मन और धन भी। हमारे साथ जुड़े खास मेहमानों के साथ आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। त्यागी साहब, इसको देखकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एक जमाना था जब हिंदुस्तान में डिफेंस की किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। जब हमने अभी कुछ वर्ष पहले यूपी में और तमिलनाडु में दो डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए और यूपी के उस डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है झांसी, और झांसी के किले में ये कार्यक्रम, 3 दिन का कार्यक्रम, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व, और एक ही नहीं कई है, इसके साथ आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने पर लक्ष्मी बाई रानी का जयंती का वो उद्घाटन करेंगे, मगर इसमें खास बात यह है कि जो हमने अब तक एक्शन लिए उनके रिजल्ट आने प्रारंभ हो गए। यानी कि न केवल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रोपल्शन सिस्टम की आज शुरुआत हो रही है, बल्कि कुछ चीजें सेना को समर्पित भी की जा रही है। उसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ड्रोन है, एंटी रेडिएशन यानी कि जिसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट बोलते हैं वो है। और सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो आज के लिए हो गया, मगर आने वाले समय के लिए इसी प्रोग्राम में 100 सैनिक स्कूल भी बनाए जाने हैं हिंदुस्तान में। यानी कि हिंदुस्तान के लोगों का एक सैनिकीकरण, हर व्यक्ति एक सैनिक की तरह, हर व्यक्ति इस मातृभूमि का एक सैनिक है, हर बच्चा यहाँ का मातृभूमि की आन बान शान की सुरक्षा के लिए तैयार और तैनात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।